हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में मैं आपसे ओल्ड हैवी साड़ियों से बने हुए डिज़ाइनर सूट और ड्रेसेस की डिज़ाइन मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ। साथ ही साथ मैं आपको आइडिया दूंगी कि किस तरह की हैवी साड़ी से आप किन किन डिज़ाइन के सूट बना सकते हैं और आप एक ही साड़ी से कुर्ती बना सकते हैं या फिर आप साथ ही साथ बॉटम या दुपट्टा किस तरह से आप बना सकते हो और आप लाइनिंग किस फैब्रिक की लगा सकते हैं, ये सब आइडिया मैं आपको देने वाली हूँ। तो आप इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना ताकि आपसे आपके पसंद के सूट की डिज़ाइन मिस ना हो जाए। तो देखिए, आप इस तरह से अगर मिरर वर्क की साड़ी है तो आप जैकेट स्टाइल सूट बना सकते हैं। जैकेट स्टाइल सूट भी काफ़ी ज़्यादा आजकल चल रहे हैं, तो आप बना सकते हैं। ऊपर क्रॉप टॉप आप बना सकते हैं, नीचे प्लाजो या सरारा बनाकर आप जैकेट स्टाइल सूट बना सकते हैं। आपकी हैवी साड़ी है तो आप फुल फ्लेयर का फ्रॉक स्टाइल सूट भी बना सकते हैं। फ्रॉक कुर्ती बनाना है तो आप साड़ी के फैब्रिक से फ्रॉक घेर वाली कुर्ती बना लें और बॉटम दुपट्टे के लिए अलग से फैब्रिक आप ले सकते हैं। शीयर पैटर्न में भी आप नेट की साड़ी से सूट बना सकते हैं। आप सिल्क की हैवी साड़ी से गाउन बना सकते हैं। आप इस तरह का अनारकली सूट भी बना सकते हो। आप जो साड़ी में लेस आती है उसी को ही आप सूट पे लगा सकते हैं। अगर लेस की क्वालिटी ख़राब हो गई है तो अलग से लेस लेकर भी आप लगा सकते हैं। हैवी भरी हुई साड़ी से आप सरारा सूट बना सकते हो। पेपलम स्टाइल कुर्ती विद स्कर्ट सूट भी आप बना सकते हैं हैवी साड़ी से। आप चाहें तो हैवी साड़ी से इस तरह का वी नेक शेप वाला भी सूट आप बना सकते हैं। पटियाला सूट आप बना सकते हो। आप इस तरह का लेयर वाला सरारा सूट बना सकते हैं। अगर आपके पास कोई सीक्वेंस वर्क या एम्ब्रॉयडरी वाली साड़ी रखी हुई है तो एक ही सूट में से आप बॉटम और दुपट्टा का भी आप फैब्रिक निकाल सकते हैं। फिर आप कुर्ती कोई सा अलग से फैब्रिक लेकर उससे भी आप कुर्ती बना सकते हो। आप इस तरह से लेस लगाकर आप सूट बना सकते हैं। कॉन्ट्रास्ट कलर कॉम्बिनेशन में भी आप सूट बना सकते हैं। अगर साड़ी का फैब्रिक कम पड़ रहा है तो आप सिर्फ कुर्ती और बॉटम साड़ी में से बना लें और दुपट्टे के लिए अलग से आप फैब्रिक ले लें। अब बात आती है लाइनिंग की, तो जो पतली साड़ियां हैं उन पे आप सेंटून की लाइनिंग लगा सकती हैं या क्रेप फैब्रिक की आप लाइनिंग लगा सकती हो। और अगर आपकी साड़ी का फैब्रिक बहुत ही ज़्यादा मोटा है तो आप कॉटन की लाइनिंग लगाएं, क्योंकि अगर आप किसी दूसरे मोटे फैब्रिक की लाइनिंग लगाएंगे तो और भी हैवी हो जाएगा आपका सूट, फूला फूला हो जाएगा जिसमें आपको गर्मी लग सकती है। तो एवरीवन, मेरे चैनल पर कुर्ती डिज़ाइन, सूट डिज़ाइन, ड्रेस डिज़ाइन और डिज़ाइनर सूट और कुर्ती कटिंग स्टिचिंग की कई सारी वीडियो हैं और प्लेलिस्ट भी है, तो आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हो। आई होप कि आपके लिए पसंद आएंगी। पसंद आए तो एक लाइक जरूर कर देना, क्योंकि आपका एक लाइक हमें बहुत ही ज़्यादा मोटिवेट करता है और नई नई वीडियो बनाने के लिए प्रेरित करता है। और फ्रेंड्स, मेरे चैनल पर डेली सुबह 8 बजे न्यू वीडियो आती है इन्हीं किसी टॉपिक से रिलेटेड, तो आप डेली भी मेरी वीडियोस को देख सकते हो। आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। मैं जो भी ड्रेस डिज़ाइन करती हूँ या फिर कुर्ती डिज़ाइन करती हूँ तो उससे रिलेटेड इमेजेस, रील्स और वीडियोस वहाँ पर मैं अपलोड करती हूँ, तो आप वहाँ पर भी मुझसे जुड़ जाइए। तो एवरीवन, आपको ये वीडियो कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कर दें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दें, और आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि इनमें से आपको कौन से सूट या कुर्ती की डिज़ाइन आपको सबसे ज़्यादा पसंद आई है।